आते हैं दिल्ली, और दिल्ली से हमारे संवाददाता अमरीश पांडे हमारे साथ जुड़े। अमरीश, दिल्ली के हालात तो हमने तस्वीरों में देखी कि किस तरह से बारिश से वहां पर तबाही का माहौल बना हुआ है। आप जरा हमें बताइए कि इस वक्त सरकार के स्तर पर क्या प्लानिंग चल रही है और आगे के लिए क्या अनुमान है मौसम विभाग का दिल्ली के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बताइए। मृत्युंजय, सबसे पहले अनुमान की बात करते हैं तो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले दो दिन बारिश होगी, कई जगहों पे तेज बारिश होगी, कुछ जगहों पे बारिश होगी लेकिन वो हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन बारिश से निजात अगले दो दिन तक नहीं मिलने की उम्मीद है। ये पूरे दिल्ली और एनसीआर के इलाके के लिए है। इसके साथ साथ अगर सरकार के स्तर की बात करते हैं तो दिल्ली सरकार ने अभी एक बैठक की थी। बैठक में जितने भी अधिकारी थे जो कि इस पूरे मुहिम में शामिल हो सकते थे, उन सबको शामिल करके यही कहा गया है कि बचाव की कोशिशें तेज होनी चाहिए। इसके अलावा निचले इलाकों से पानी निकालने की जो कोशिशें हैं वो सबसे प्राथमिकता रखनी चाहिए। इसके अलावा हथनी कुंड से चूंकि पानी छोड़ा गया है लगभग 3.25 लाख क्यूसेक, तो ये पानी आज देर शाम तक दिल्ली पहुंच सकता है, और अगर ऐसा होता है तो शायद निचले इलाकों में बाढ़ की संभावना बनती है। उस पर भी लगातार मॉनिटरिंग करने की जरूरत है, और दो स्तर पर मॉनिटरिंग सेल्स बनाई भी जा चुके हैं। उस इलाके में जो रेलवे है, रेलवे ने अपनी मॉनिटरिंग सेल बनाई है, इसके अलावा एमसीडी ने अपनी मॉनिटरिंग की जो सेल है वो बनाई हुई है और लगातार इस पर नजर रखे हुए हैं। अभी का अगर आंकड़ा देखें तो 3 बजे के आंकड़े के अनुसार यमुना का जो जलस्तर है वो 205.36 यानी कि खतरे के निशान से थोड़ा ही कम है, और अगर शाम तक इसका वेट करते हैं हो सकता है कि खतरे किसान को पार करे, और अगर ऐसा होता है तो स्थिति थोड़ी चिंताजनक जरूर हो सकती है। इसके साथ साथ अगर हम देश के स्तर पर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री ने एक बैठक भी की है अभी गृह मंत्री के साथ, और गृह मंत्री समेत एनडीआरएफ एसडीआरएफ के तमाम अधिकारी उसमें शामिल थे, और उनसे स्पष्ट रूप से यही कहा है कि जिन राज्यों को जैसी भी जरूरत है उस तरह की सिचुएशन में अगर वो आते हैं, उन्होंने कोई डिमांड कर रखी है या नहीं कर रखी, तो उनसे पूछ के उनको देने की जरूरत है। जितनी भी टीमें इस समय है उसमें लगभग 39 टीम्स हैं जो कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, लद्दाख, चंडीगढ़, इन सारे इलाकों में काम कर रही है, कि एनडीआरएफ की है, और एनडीआरएफ लगभग 70 ऐसी और टीमें और गठित कर रखी है जो कि अन्य राज्यों में भी जाने की तैयारी में है। तो कुल मिलाकर सरकार अपने स्तर पर जो तैयारियां हैं बचाव की, राहत की, वो तेज कर रही है। इसके साथ साथ सड़कों की प्राथमिकता सरकार ने पहले ही बांध रखी है, और अभी थोड़ी देर पहले ही ट्रांसपोर्ट मंत्री ने एक बैठक भी की थी जिसमें कि एनएचएआई, ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी, इसके अलावा डीजी रोड्स ये शामिल थे, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है, ये कोशिश है कि जितनी भी सड़कें जो कि अभी खराब है उनकी मरम्मत से और युद्ध स्तर पर किया जाए, क्योंकि अगर सड़कें ठीक नहीं होती है तो सप्लाई की जो क्राइसिस है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात अमरीश आप बता रहे हैं कि ये बहुत जरूरी है कि आप इंफ्रा को ठीक करें। आप बने रहे हमारे साथ।